छतरपुर जिले में 5 थानों की पुलिस कुख्यात अपराधी रविंद्र सिंह की तलाश में जुटी है, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा बीतने के बाद भी अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। दरअसल मामला ओरछा रोड थाना इलाके के देवी गांव का है, जहां बीते 29 अक्टूबर को पुरानी रंजिश में रविंद्र सिंह परिहार ने गांव के ही वीरू चंदेल पर फायरिंग कर दी, लेकिन वीरू बच गया। वीरू ने 2 साल पहले मकर संक्रांति के मेले में सबके सामने रविंद्र की पिटाई कर दी थी, जिसके बाद रविंद्र उससे बदला लेने के लिए उसकी तलाश में घूम रहा था। मौका पाकर रविंद्र ने वीरू पर फायर किया, लेकिन वो बच निकला। पुलिस ने आरोपी पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया और उसको पकड़ने के लिए 5 थानों की पुलिस उसके गांव पहुंची। कुख्यात रविंद्र ने पुलिस पर 3 फायर कर दिया और जंगल की ओर भाग गया। तब से इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं छतरपुर SP अगम जैन ने कहा कि आरोपी को पकड़ने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आरोपी पर 10,000 का इनाम बढ़ाकर 20,000 कर दिया गया है। देरी गांव का जो आरोपी है रविंद्र परिहार, उस पर आदरणीय DIG सर की तरफ से 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है और हमारी टीम उसमें लगी हुई है और पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, जल्दी हमें उसमें सफलता मिलेगी। पर पूर्व से 11 अपराध हैं, जिला बदर भी इसका प्रस्तुत किया गया है और हमारी टीम लगी है, जल्दी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।